देख रहे हैं SGN News, मुद्दे की बात आपके साथ। मुख्यमंत्री आगमन को लेकर चला नगर निगम का जेसीबी, सड़क किनारे बसे हजारों दुकानों को उखाड़ फेंका गया और यह सब मुख्यमंत्री आने से महज 24 घंटे पहले हुआ। सड़क किनारे दशकों से दुकान कर रहे दुकानदारों को सामान तक निकालने की मोहलत नहीं मिली। देखिए क्या है पूरा मामला। मुख्यमंत्री आगमन को लेकर चला नगर निगम का जेसीबी, सड़क किनारे बसे हजारों दुकानों को उखाड़ फेंका गया और यह सब मुख्यमंत्री आने से महज 24 घंटे पहले हुआ। सड़क किनारे दशकों से दुकान कर रहे दुकानदारों को सामान तक निकालने की मोहलत नहीं मिली। पीड़ित दुकानदारों का आरोप है कि वह बीते 13 सालों से नगर निगम से पर्ची कटवा रहे हैं, मासिक तौर पर 3000 रुपए भी देते हैं। बावजूद इसके ना ही इन्हें कोई वैकल्पिक जमीन मिली है, बल्कि बिना किसी सूचना के सीधे जेसीबी को दुकानों में घुसा दिया गया। दुकानें तोड़ी जा रही, अतिक्रमण ने ये इसका कोई आदेश वगैरह था या फिर किस तरह? हाँ, हम लोग आदेश दे के बैठे यहाँ पर, 3000 रुपये बिना पर्ची बनता हमारे लोग का। अच्छा, हम लोग काफ़ी दिन से रहते हैं यहाँ पर और यहाँ सेल लगा रहे हैं हम लोग, तो पर्ची देकर बैठे और लोग तो सब ऐसे बैठे हैं यहाँ पर। अग्रीमेंट जब से आया, जब 3000 रुपये पर्ची आता बन के, एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं, जूता चप्पल सब पहनते हैं, कोई फ्लैश नहीं होता इस बच का। आज क्यों तोड़ा जा रहा है? आज अग्रीमेंट की वजह से तोड़ फोड़ हो रही है। पर्ची भी हम लोग को नहीं मार समझ रहे लोग, हम बाहर के आदमी हैं। क्या कह रहे हैं ये लोग? सीएम आ रहे हैं कि बोले शहर का, ये लोग क्या कह रहे हैं तोड़ने का कोई कारण? हाँ, कारण है कि सीएम साहब आ रहे हैं यहाँ, तोड़ फोड़ हो रही है। अच्छा। साहब इसलिए तोड़ फोड़ जारी चालू है। तो क्या आप लोगों को पहले बताया गया था कि तोड़ा? नहीं, हम लोग को पहले कोई खबर नहीं था, अभी एंड टू एंड एकदम सब काम हो रहा है हमारे साथ। आते ही तोड़ दिया जा रहा है? तोड़ दिया। आदेश पे पूछा आपने? जी नहीं, आदेश नहीं पूछा हमने, कुछ नहीं पूछा, एकदम सुनाई कोई हो रहा है क्या? हम लोग टाइम मांग रहे हैं, घंटा का तो नहीं मिल रहा है, घंटे का टाइम हम लोग को। अचानक हो रहा है हमारे साथ में, हम लोग परदेशी आदमी तो कहाँ जाएगी? तुम जाएगी, सामान अंदर में है ही, अंदर में सामान सब मेरा ऐसे रखा है। अच्छा, सामान कहीं बुलडोजर चल रहा है? सामान में बुलडोजर, आदमी भी अंदर में रहता है। अच्छा अच्छा, तो कम से कम 10 मिनट का, 1 घंटे का टाइम मिलना चाहिए ना हम लोग को। हाँ। हमें कोई टाइम टेबल नहीं मिल रहा है। 8 साल से क्या पर्ची वगैरह भी कटता है यहाँ पर आप लोगों का? नहीं कट रहा है। ये क्या पहले से कोई आदेश दिया गया था अतिक्रमण करने के लिए? जो मैंने कहा गया बिना बोले बिना खबर का, हम लोग वाली सीलिंग में दुकान का सर्वे किया हुआ है। हाँ हाँ, हम लोग सर्वे किया हुआ है जगह का, तो मतलब आप लोग प्रशासन की नज़र में पहले से काम कर रहे हैं, हमें इस चीज़ की जानकारी है। जी। क्या कहकर यहाँ से हटाया जा रहा है? अभी तो कुछ नहीं, जायज आया हमको खबर नहीं था, बोला तो हटा, हम भी अपना हटा रहे हैं। हटा रहे हैं या तोड़ा जा रहा है? तोड़ा जा रहा है, हम कैसे बोलेंगे, सबको तोड़ रहा था, हमको भी मैंने तोड़ ही रहा है। आदेश किन का है कुछ पता है? किसके आदेश पे हो रहा है? वहीं इस मामले में उप नगर आयुक्त ने बताया कि इन लोगों को आए दिन सूचनाएं देती जाती रही है और आज इस पर हमने कार्रवाई की। यह अनुमंडल पदाधिकारी सदर पूर्णिया के आदेशानुसार इनक्रोचमेंट हटाए जाने का कार्य हो रहा है, जिसमें कि आर्यन साहब चौक से लेकर के रंगभूमि मैदान तक दोनों साइड में, सड़क के दोनों किनारे अतिक्रमण हटाने का कार्य किए जा रहे हैं। तो सर इसके क्या कोई अग्रिम सूचना दी गई थी इन दुकानदारों को? अग्रिम सूचना बहुतों बार दी गई कि आप सड़क के दोनों किनारे जो भी इंक्रोचमेंट हैं तो उनको हटा लें। अच्छा, कुछ दुकानदारों का कहना है कि वो लगातार यहाँ से पर्ची भी कटाते हैं और मासिक जो है वो देते हैं। पर्ची कटाते हैं तो उनका ये नहीं है कि वो अपना, ये कहना है सर, हाँ हाँ, कि रोड पर ही वो अपना दुकान लगावे, पर्ची कटावे, उसके नहीं है। सवेरे बिना किसी सूचना के जैसे भी पूर्व से भी सभी जा रहा है, पूर्व से सभी को अति सूचना प्राप्त। नगर निगम पर्ची काटती है तो क्या जगह उसको चिन्हित करके देती है क्या? जगह चिन्हित के लिए भेडिंग जोन अति बन रहे हैं, मतलब उनको दिए जाएंगे। कैसे काट देती है नगर निगम जब चिन्हित नहीं होता है, फिर अपने से दुकान लगा लेता है, पर्ची काटने वक्त क्या वो पर्ची? ऐसा काम नगर निगम नहीं करती पर्ची लेकर। दूसरी चीज सर ये जानना चाह रहे कि इतने जमाने से, कोई 5 साल से, कोई 8 साल से, कोई 13 साल से, क्या सिर्फ मुख्यमंत्री आने के बाद ही ये कार्रवाई होती है? नहीं, ये काम लगातार चलते रहते हैं। 13 सालों से ऐसी कोई बात नहीं है कि आज मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं तो उसमें ये कार्यक्रम हो रहे हैं, नहीं। आप भी तो बहुतों बार हमसे वो अथी किए हैं जी सर, हम भी बहुतों बार आपने देखे हैं
हमने लाइन बाजार साफ किए, बहुतों सब जगह किए। ये कोई जरूरी नहीं है कि आज सीएम महोदय आ रहे हैं तो ये कार्य हो रहे हैं। सर कुछ पिछले 13 सालों से ये दुकानें ऐसी हैं, कुछ 8 सालों से दुकानें, कुछ 5 सालों से जो लगातार यहाँ पर ही हैं। नहीं, लगातार हटाने का कार्य हम लोग करते आ रहे हैं, मतलब उसमें कोई कमी नहीं है कि हम लोग अभी कर रहे हैं। अनुमंडल पदाधिकारी सदर पूर्णिया के आदेशानुसार हम लोग ये अतिक्रमण हटाने का कार्य कर रहे हैं। नाम बता देंगे सर अपना? राम विलास दास, उप नगर आयुक्त नगर निगम पूर्णिया, और मेरे साथ में पवन कुमार पवन, नगर प्रबंधक नगर निगम पूर्णिया, और सारे 40 पुलिस के जवान हैं, और हमारे अमीन साहब हैं, सारे लोग के सहयोग से। लेकिन सबसे अहम सवाल उठता है कि अगर आए दिन इन्हें सूचना दी जाती है तो नगर निगम से पर्ची किस बात की काटी जाती है? 13 सालों से इन्हें बस नहीं क्यों दिया गया? और जब ये सारी चीजें हो रही थी तो मुख्यमंत्री आने से ठीक एक दिन पहले अचानक आनन फानन में उखाड़ा क्यों जा रहा है? कई सवाल है जो इस हजारों दुकानदारों के लिए ठंड के मौसम में एक परेशानी के तौर पर खड़ा है। ये कार्रवाई पूर्णिया के सदर SDM के निर्देश पर किया जा रहा है। इस कार्रवाई में 40 पुलिस के जवान भी मौजूद रहे।